ऑल राइट गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होइएगा और रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, इंडिया के अंदर में एक गेमिंग फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है जो कि लगभग 2-4-5 दिन हो चुके हैं, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड के बाद ये वीडियोज़ आ रही है कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप गेमर हैं तो ये वीडियोज़ आप कंप्लीट देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये जो फ़ोन है वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के तरफ से आने वाला फ़ोन इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि आया है। तो बहुत कुछ इस फ़ोन के अंदर में मिलती है, बट क्या ये सही है या फिर नहीं है, तो चलते हैं और वीडियोज़ को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले अगर इस फ़ोन की अगर बात कर लेते हैं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, इसकी अनबॉक्सिंग की, तो इस फ़ोन के बॉक्स में आपको जो सबसे एक स्पेशल चीज़ मिलती है वो एक टर्बो मिल जाती है, एक फ़ैन मिल जाती है जो कि सी टाइप को सपोर्ट करती है, और अलग से आप इसमें आप चिपका सकते हो, जो कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ये फ़ोन को आपको कूल रखने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो ये एक अलग से इस फ़ोन के लिए आ गई है, तो ये ज़्यादा बेहतरीन है कि अगर आप गेमर हो, गेमिंग खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन रखते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि ये फ़ोन गर्म वगैरह नहीं होगी। हाँ, ये डिवाइस को हटा करके खेलते हो तो मोबाइल बिल्कुल भी हीट करेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बात कर लेते हैं इस फ़ोन के एक बिल्ड क्वालिटी वगैरह के डिज़ाइन की, तो आप बैक साइड में आप देख ही सकते हो, देखने में ये सी टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर में आपको RGB लाइट मिल जाती है, और ये जो फ़ोन है स्पेशली गेमर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। पॉलीकार्बोनेट बैक साइड में प्लास्टिक का है, देखने में ये कुछ भी मेटल वगैरह नहीं है। हाँ, RGB लाइट इसके अंदर में दिया गया, बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है कि ये कोई एक गेमर के लिए ही ये फ़ोन बनाया गया है, तो इसके लिए एक लाइक बनती है। देखने में बहुत ही प्रीमियम सी आपको फील भी आपको देने वाली है। डिस्प्ले 6.678 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, पंच होल डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और ये जो है पंच होल डिस्प्ले है, HDR कंटेंट को भी ये सपोर्ट करती है, इसमें ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। तो डिस्प्ले ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया दिया गया है, डिस्प्ले में आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड पैनल इस फ़ोन के अंदर में यूज़ किया गया है। और बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात, तो जो इस फ़ोन को ताकत मिलती है, पावर मिलती है, वो चिपसेट जो इस फ़ोन के अंदर में यूज़ किया गया है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 जो कि 4nm पे बेस्ड है, जो जिसका अगर बेंचमार्क अगर आप देखोगे तो लगभग 9 लाख से ऊपर चली जाती है। तो ये एक अच्छा सा स्कोर मानी जाती है, जो कि गेमर हो आप तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली ले सकते हैं गेमिंग खेलने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस जो इस फ़ोन के अंदर में है ना, वो 60-90 FPS में आप आराम से खेल सकते हो, मतलब पेरो गेम प्ले कर सकते हो, तो गेमर के लिए तो ये फ़ोन डेफिनेटली बहुत ही तगड़ी फ़ोन साबित हुई है, और आगे भी कैसा रहता है उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी वीडियोज़ आएगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर गेमिंग के लिए ही फ़ोन स्पेशल लेना है तो ये फ़ोन डेफिनेटली आप ले सकते हो। बाकी कर लेते हैं 5G कनेक्टिविटी वगैरह है, तो 5G जो भी बैंड इंडिया के अंदर में है सारे दिए गए हैं, वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी देखा जाए तो कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक आपको नज़र आ जाएगी। और अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इस फ़ोन के अंदर में आपको जो मिल जाती है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं मिलती है, 45W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और बैटरी कम से कम एटलीस्ट 6500mAh का होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी है, क्योंकि गेमर फ़ोन है तो गेमिंग में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अगर कैमरा की, तो कैमरा भी इस फ़ोन के अंदर में बहुत ही बढ़िया दिया गया है। मेन कैमरा आपको जो मिल जाती है वो 108 मेगापिक्सल्स का, बट यहाँ पे 2 मेगापिक्सल्स का, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर वगैरह जो है वो दे दिया गया, जो कि इसका कोई काम ही नहीं था। और फ्रंट में आपको मिल जाते हैं अच्छे कैमरा तो मिल जाते हैं, बट पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकल करके आती है, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बेकार लगी है, कि अगर ये अगर कैमरा को अगर आप कंपेयर करोगे, ऐसा मेगापिक्सल दे देने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे 10-15 हज़ार के फ़ोन में भी यही सेम कैमरा का लेंस मिल जाता है, कैमरा का क्वालिटी वगैरह जो है वो बहुत ही बेकार दिया गया है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन और भी ज़्यादा बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, GT60 भी आ रहे हैं, तो वो सब थोड़ा सा बेहतर काम किया है, बट यहाँ पे अगर 25,000 रुपया लगा रहे हैं, 25,000-26,000, तो कैमरा तो एटलीस्ट बढ़िया होना चाहिए था, जो कि इस फ़ोन के अंदर में नहीं मिलता है। मैं सीधा सीधा बात करूँ तो ये गेमर के लिए है, ये अगर आप चाहते हैं फोटोग्राफी वगैरह करना तो ये फ़ोन डेफिनेटली आपके लिए नहीं होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं
इस फ़ोन की अगर छोटे मोटे फीचर्स की तो इस फ़ोन के अंदर में आपको मिल जाते हैं वाइड वाई एलोन का सपोर्ट मिल जाता है, मल्टीमीडिया में आपको स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, और इसमें अगर आप वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाली है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर में जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छा जो चिपसेट है, जिसके कारण से आप HDR में वीडियोज़ कंटेंट तो देख ही पाओगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आने वाली है। फुल 4K में HDR सपोर्ट करता है ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि इस फ़ोन के अंदर में ये चीज़ देखने को मिल गई है। नेटफ्लिक्स अमेजोन आप मल्टीमीडिया का शौकीन है तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर होने वाली है। बाकी अगर देखा जाए तो इस फ़ोन में बहुत कुछ दिए गए, छोटे मोटे RGB लाइट्स वगैरह, जो कि आपका कॉल वगैरह आता है या फिर आप चार्ज में लगाते हो तो ये डेफिनेटली वर्क करेगी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगती है। तो ये चीज़ है कंप्लीट, जो मैंने शॉर्ट में ही जो चीज़ बताया है, जो काम का चीज़ है वही चीज़ मैंने इस फ़ोन के बारे में बताया है। बाकी इसका प्रोसेसर दमदार है, कैमरा उतना अच्छा है नहीं, डिस्प्ले बढ़िया है, और इसमें जो है बैटरी थोड़ा सा और बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन उतनी बड़ी है नहीं। बाकी देखा जाए तो और भी सारे जो भी छोटे मोटे फीचर्स आते हैं, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो सारे चीज़ इस फ़ोन के अंदर में दिया गया है। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस यही थी आज की वीडियोज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।